आर यू रेडी गाइस? देखो फिर, वाओ व्हाट अ वंडरफुल होम। सो व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज योर ब्रो ईशान रानी, होप यू आर डूइंग गुड। सो आज हमारे व्लॉगिंग का डे 42 और काफी अच्छा और सुहाना, धूप लग गई आज, कल बारिश हो रही थी जैसे कि। तो रात को हम बड़े लेट हो गए थे, मैं गया था वहां पे, जैसे कि मैंने बताया था, अपनी वो डॉग थी उसके बच्चों को मिलने गया था रात को, उसका नाम विस्की है। तो रात को मैंने क्या एक्टिविटी करी वो मैं इसी ब्लॉग में डाल दूंगा, क्योंकि वो पिछला ब्लॉग काफी लंबा हो गया था, मैंने सोचा कि उसमें ना ऐड करूं, तो वो मैं इसी ब्लॉग में डाल दूंगा। और उसके बाद आज शाम को भी मैं मिलने जाऊंगा उनसे, तो वो जानने के लिए जुड़े रहिए। तो गाइस आज जैसे ही नीचे आए हैं तो हमने देखा है कि हमारे रोहित भाई ने, प्यारे रोहित भाई ने हमारे लिए सब्जी बना दी है। अरे ये चने मिक्स तो नहीं हो गए, कोई बात नहीं, हम इसको खाएंगे और फिर अगली एक्टिविटी दिखाते हैं। रोहित भाई ने अपने सारे कपड़े डाल दिए हैं आज धोने के लिए एक ही साथ। मैं क्या, बड़े दिनों से बाहर घूम रहे तो इसलिए थोड़ी देर घर में बैठेंगे, मूवी देखेंगे और पॉपकॉर्न खाते खाते एंजॉय करेंगे। तो भाई जैसा कि मैंने एक बार कहा था कि अपने भाई का एक अपनी गोल्डन रिट्रीवर अपनी डॉग है, तो उनके बच्चे हुए हैं, तो वो मैंने दिखाने थे आपको, तो उनके घर आए हैं, तो घर का एक टूर देते हैं उनका छोटा मोटा, और आपको कुत्तों से मिलाते हैं। डॉग का नाम है विस्की, तो उसके छोटे छोटे पौवे हैं वो दिखाते हैं आपको। देखिए फिर ऑफिशियल। आर यू रेडी गाइस? देखो फिर, वाओ व्हाट अ वंडरफुल होम, काफी बढ़िया बना रखा भाई ने। अरे किधर है वो? अरे वाओ, वू, हाउ आर यू? विस्की विस्की विस्की, सच अ स्वीट डॉग, सो क्यूट। आह, तो गाइस आर यू रेडी? तो मैं छोटे छोटे वो बच्चे हुए हैं उन्हें दिखाता हूँ आपको, बड़े क्यूट हैं यार, बड़े क्यूट हैं। हट जा हट जा हट जा, लेके खा लिया इन्हें मुंह में। भाई ऑस्ट्रेलिया में आके ना मेरे को 1.5 साल 2 साल हो गए, पर मेरे को अपने कुत्ते की इतनी याद आती है, मैं बता नहीं सकता आपको। तो इसको मिलके मैं कौन को मैं पानी आ रहा है, बड़ा क्यूट बिट्टू मेरे को। अरे बाहर क्या है, कितना प्यारा है यार, इसकी फर कितनी प्यारी है। कितना प्यारा है यार, ये साथ साथ ही घूमता रहेगा, मजा आ गया। विस्की, विस्की, विस्की। तो भाई बात कुछ यूं ही ना, हमारे भैया जा रहे हैं अपने गोल्ड कोस्ट फैमिली के साथ घूमने, तो ये उनका घर है, तो इन्होंने मेरे को बोला था कि मेरे घर की थोड़ी रखवाली करिए, क्योंकि इनके इसके छोटे छोटे बच्चे हुए हैं अभी, और मतलब ये ऑलमोस्ट सारे इन्होंने सोल्ड कर दिए हैं, बट जब तक ये मतलब 45 से 50 दिन के नहीं होते जैसे मैंने बोला था, तब तक इनको दे नहीं सकते। तो 2-3 तो चले गए हैं, बट बाकी के अभी थोड़े छोटे हैं, तो जब वो भी बड़े हो जाएंगे तो सारे चले जाएंगे। तो हमने बोला था भैया को कि एक अद्धा हमारे को दे दियो, बट फिर उस वक्त अपने बंदे डर रहे थे, बच्चे डर रहे थे, ये सारे अपने जो घर पे रहते हैं भाई अपने। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने बोला कि, फिर जब हमने भैया को बोला कि चलो अब मान गए सारे है ना, तो तब तक ये सारे जा चुके थे, पर क्या कर सकते हैं अब। सो दैट्स द थिंग, अब मैं घर का टूर दे देता हूँ भाई के एक बार फटाफट आपको, कि कैसे हमारे भाई का। तो अपने भाई लोग जब तक अपना इसको बाहर गेड़ा गुड़ा मरा के आते हैं, उसको जो भी करना है अपना एक्टिविटी आपको बताइए, जो सवेरे शाम अपने बच्चों इसको कुत्तों को करनी होती है, पॉटी करनी होती है, तो बाहर ले गए, तो तब तक हम मैं आपको मिलाता हूँ बच्चों के साथ और घर का एक बार फटाफट टूर देता हूँ आपको, तो उसको देख। यार भाई कह रहे फिर सारे चला बाहर साथ में वॉक कराऊँ फिर कुत्ते को, मैं भी बड़े दिन हो गए अपने चैपी को वॉक कराता था मैं इंडिया में, तो वॉक कराते हैं और दिखाते हैं फिर। भाई ने भी ठीक तैयारी कर रखी वैसे क्रिसमस की, बहुत ही बढ़िया गाड़ियाँ भी चेक कर सकते हैं, काफ़ी लग्जरी। हाँ भाई बहुत अच्छी सेलिब्रेशन क्रिसमसियों की, न्यू ईयर तक रहेगी मेरे ख्याल से, ये हर जगह ही है, ये तो उस साइड भी आएगा। वैसे तो मैंने काफ़ी घर दिखा दिए, बट इन्होंने गार्डन में भी अपने घर के लॉन जो है उसमें भी काफ़ी अच्छी सजावट कर रखी, मेरा ये भी दिखाई दूँ फिर। विस्की बहुत इंजॉय करती हुई यहाँ पे भाइयों के बीच में, अंधेरा बड़ा है यहाँ पे, सॉरी गाइस, बट मैंने भाई एक बात और ना, ये प्रॉपर ट्रेन है, मतलब हर बातें पता है इसको, ये देखो सीट बोला तो बैठ गई, शेक हैंड भी करा प्रॉपर, वाओ सच अ वंडरफुल डॉग। और ये अपना ऋषि इसको लेके घूम रहा प्रॉपर, इतनी जोर से ये पार्क है, मतलब अंधेरे में दिख नहीं रहा होगा, सॉरी,
बट प्रॉपर इसको घुमा रहा पूरी ट्रेन यार अंधेरा मैं ले कल दिखाऊं फिर चल फेंक दे गो अरे अंधेरे में पता नहीं लगेगा इसको यार दिन में दिखाऊंगे कोई चक्कर नहीं विस्की यू क्यूटी भाई फिर भी ढूंढने लग रही देखो इतने अंधेरे में भी वो देखो वाओ बेचारी चल कोई चक्कर नहीं दिन में करेंगे दिन में फिर दिन में पता लग जाएगा इसको चला फिर विस्की भाई करो फिर चेक विस्की कम ऑन 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 थक गया मेरे को लग रहा स्टॉप 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 भाई देख लो सारे सारी चीजें मानना है मगर ये भी चेक कर लो फिर देखो हिरन वाओ पेंगुइन ये भी एक और हिरन काफी अच्छी कलाकारी तो चले इसको वॉक करा दी हमने और चलते हम सीधे घर भाई घर बड़ा सुंदर है ये बट अपने पंडित भाई ने एक बड़ी समझदारी की बात करी जब मैंने बोला कि मैं ला होम टूर दे दूँ उन्होंने बोला किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है हम इसे ऐसे ठीक नहीं लगता और ओवरऑल बार बार से दिखा देता हूँ क्योंकि ज़्यादा डिटेल में दिखाना ठीक नहीं है तो वो चीज़ मैंने भी समझी तो सॉरी गाइस भाई ये बार बार से दिखा दूँ एक बार ये इनका अपना टीवी रूम है तो ये देख सकते हैं और ये दिखाता हूँ यहाँ से सजावट करा रखी यहाँ पे बहुत ही अच्छी और ये अपना इनका किचन एरिया बहुत ही अच्छा लैंप लगा है और यहाँ पे डाइनिंग टेबल और विस्की का ये बेड देख सकते हैं आप यहाँ पे ये सारा एरिया उसका ही है एंजॉय करा यहाँ पे अंदर ही घर में तो इट्स अ वंडरफुल थिंग विस्की चलते हैं फिर बाय मिलेंगे कल बाय तो भाई ये था अपना रात का नज़ारा क्योंकि हमें ये वाली एक्टिविटी करनी बहुत ज़रूरी थी इसको वॉक वूक करानी थी तो कल सुबह भी मिलते हैं और पपीज मैं तभी दिखाऊंगा अभी तो उधर बड़ा ज्यादा गंद हो रहा तो मैं इतने मैसी में दिखाऊंगा नहीं जितनी थोड़ी सी क्लिप दिखाई थी बाकी उनके साथ मैं कल खेलूंगा प्रॉपरली और अपने बटन लाऊंगा उनको और बहुत एंजॉय करेंगे तो मिलते हैं फिर कल ये था यार कल रात का कुछ नज़ारा और मेरा दिखाना जरूरी है तो और आज मैं नहीं जा पाया अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारी गाड़ी खराब हो गई थी और उसकी डिटेल्स मैं कल बताता हूँ कि बड़ी परेशानी हुई हमें और अब रात के बज रहे हैं 10:30 हो रहे हैं और मैं करता हूँ थोड़ी पूजा पाजा और हमने उबर ईट से खाने के लिए मंगा लिया था तो वो दिखाता हूँ फिर नीचे जाके तो गाइस आ चुके हैं नीचे और अपना आर्यन भाई बैठा है अपने साथ और खाते हैं दिखाता हूँ आपको क्या मंगाया तो ये हमारे आर्यन भाई बताएंगे आपको हमने क्या क्या मंगाया है क्या है भाई इसमें समोसा वाओ तो इसमें पनीर के पराठे तो ये हमने मंगाया वेज चाउमीन यप तो ये मेरे लिए मैंगो लस्सी और मैंने मंगाई है सॉल्टी लस्सी यस तो इसमें है हमारे बहुत ही नजारा स्प्रिंग रोल यस तो ये कुछ उन्होंने चटनी दी है मतलब इनके साथ समोसे के साथ और नूडल्स और रोल के साथ बहुत ही अच्छी पार्टी उन्होंने दही भी बेचा है तो और इसमें सोया चाप है ना सही से तो आज वेजिटेरियन खाएंगे गाइस सोया चाप है हमारी तो अच्छे So that's all guys, अब खाएंगे खाना और that's a wrap for this day 42 of vlogging. See you in the next vlog guys, thank you so much for watching it.